2.4.1 क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? क्रियाकलाप 7 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्रियाकलाप 6 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करें। क्या बल्ब जला? क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि HCl अणु के आयनन के पश्चात H+ आयन बनते हैं, जबकि ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं बनते। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। बच्चों, इसके पूर्व क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई दी, और इसी प्रकार जब हमने क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तब भी एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई दी। इसका तात्पर्य यह था कि अम्ल ने जली विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त किया, और इसी प्रकार क्षार ने अपनी जली विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त किया, और ये आयन ही इन अम्ल तथा क्षार के विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी थे। तो क्या वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है वे अम्ल होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि इसके एक अणु में 12 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो क्या यह भी अम्ल है? क्या यह भी अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा? आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। 2 चम्मच ग्लूकोज, 2 चम्मच डालकर इसका विलयन भी तैयार कर लेते हैं। जिसमें हमने ग्लूकोज का विलयन मिला हुआ है उसमें यही प्रक्रिया करें। ये देखिए, दोनों सिरों पर हमने अपना विद्युत परिपथ कंप्लीट किया, परंतु हमें एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हमने ग्लूकोज के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो एलईडी लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज ने अपने हाइड्रोजन को आयनों के रूप में मुक्त नहीं किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होता है ये आवश्यक नहीं कि वो अम्ल हों। अम्ल वही होते हैं जो अपने जली विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं।